मधुकर थाना क्षेत्र के बसाड़ में 3 साल की बच्ची आरुषि अपने घर के बाहर एक कुएं में गिर गई, जिससे उसकी असमयिक मृत्यु हो गई। मदद के लिए परिवार के चिल्लाने से ग्रामीण सतर्क हो गए, जिन्होंने तुरंत बच्ची को बचाया और जिला अस्पताल ले गए। कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है, जिससे परिवार के सदस्यों में सदमा और दुख का माहौल है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव और होली और रमजान के त्योहारी सीजन की तैयारी के लिए संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच तेज करने का निर्देश दिया। अग्रवाल ने विघटनकारी तत्वों के खिलाफ सतर्कता बरतने और मस्जिद में नमाज के बाद चौराहों पर जमावड़े को हतोत्साहित करने पर जोर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रायबरेली की सभी सीमाओं पर बैरिकेडिंग और चेकिंग अभियान चल रहा है। अग्रवाल ने जनता से जिम्मेदारी से मतदान करने और किसी भी जबरदस्ती या उत्पीड़न की रिपोर्ट करने का आग्रह किया और शिकायत पर त्वरित कार्यवाही का वादा किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ता बैठक में भाग लिया और इंडिया अलायंस के प्रति समर्थन व्यक्त किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रगति नगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित सभा में मौर्य ने मीडिया से इंडिया अलायंस को समर्थन देने की बात कही। समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा के बारे में पूछे जाने पर मौर्य ने कहा कि वह अनभिज्ञ थे और उन्होंने बदायूं लोकसभा सीट के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे संकेत मिलता है कि भाजपा का निर्णय उम्मीदवार का निर्धारण करेगा। रायबरेली चुनाव के संबंध में मौर्य ने पुष्टि की कि इंडिया अलायंस द्वारा चुना गया उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। रायबरेली में परिषदपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष विनोद कौशल के एक भव्य ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए और धार्मिक भोजन में भाग लिया। अध्यक्ष कौशल ने बताया कि उनकी मां की चार धाम की यात्रा के बाद यह दावत न केवल शहर के निवासियों के लिए बल्कि उनके समुदाय के सदस्यों के लिए भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन वैश्य समुदाय में एक परंपरा है और उसी परंपरा को कायम रखने के लिए इस भोजन का आयोजन किया गया, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हमीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्टाफ के गायब रहने पर लगे आरोप। एक चिंताजनक घटनाक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर, वार्ड बॉय और कर्मचारी सहित स्टाफ सदस्य कथित तौर पर लापता हो गए हैं। सुपरवाइजर अंजल निरंजन पर स्वास्थ्य केंद्र पर समय से उपस्थित नहीं रहने का आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद होने से मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिससे गोहान ब्लॉक में चिंता बढ़ गई है। हमीरपुर में दूध में मिलावट मामले में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। मिलावटी दूध से जुड़े एक घोटाले ने जिले को हिलाकर रख दिया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संजय सिंह ने अपने वरिष्ठ जिला खाद्य अधिकारी राम अवतार यादव पर रिश्वत लेने और दूध में मिलावट के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सिंह का आरोप है कि यादव ने 10,000 की मासिक रिश्वत की मांग की और धोखाधड़ी की। शिकायतों के बाद भी मिलावट की घटनाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में उपेक्षा की। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें कथित तौर पर फल निरीक्षण संजय सिंह इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, जिले में व्यापक रूप से प्रसारित हो रही है। मामला हमीरपुर जिले के सरीराग तहसील का है। जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की होली जेल में ही मनेगी। जौनपुर की विशेष कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर की विशेष अदालत ने 6 मार्च को धनंजय सिंह को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत से जेल भेजे जाने के दौरान धनंजय सिंह ने सजा को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश करार दिया। यूपी के कासगंज जिले में सिपाही की करतूत के चलते पुलिस को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। सिपाही की हरकत का जवाब वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया। एसपी ने सिपाही को सस्पेंड किया। दरअसल कासगंज पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने शराब पीकर जमकर उपद्रव किया। नशे में सिपाही के बीच सड़क पर लोगों से अभद्रता की, इतना ही नहीं गाड़ियों को रोककर उनके चालकों से गाली गलौज भी की। सिपाही का ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ लग गई। किसी ने नशे में सिपाही का वीडियो बनाया और फिर वायरल कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस सिपाही को पकड़कर थाने ले गई। मामला कासगंज जिले के कोतवाली सदर क्षेत्र के नदरई गेट का है।